अस्सलाम वालेकुम तलाय बरकातहू तमाम दोस्तों का सलाम लिया सबके लिए मैं दिल से इस्तकबाल करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त शिकर शाह खादी। दोस्तों आपकी खिदमत में मनपसंद शादी का नौवां अमल है। लिंक दिया दोस्तों, अगर आप देखें मैं शादी के भी माशाल्लाह 8 अमल बता चुका हूं, इसकी डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। सेकंड शादी के लिए, दूसरी शादी के लिए, जिसके रिश्ते नहीं होते लड़कियों के, सारे मसले माशाल्लाह। लेकिन शादी के अमल ही निके के अमल बताऊँ माशाल्लाह, जो निकाह करना चाहते हैं उनका रिश्ता नहीं जुड़ता उनके लिए। लेकिन आज का जो हमारा खसूसी अमल है जो दोस्तों मनपसंद शादी का अमल का तरीका आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसान सा वजीफा है दोस्तों माशाल्लाह। जो भी हजरात भाई बहन चाहते हैं या उनके माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों की शादी जो फलाना जगह पे हो जाए जहाँ पर माशाल्लाह वो बहुत अच्छा रिश्ता है, अच्छा खानदान है, अच्छे लोग हैं, चाहते हैं कि आप समझते हैं कि आपकी बेटी जाकर माशाल्लाह वहाँ से अच्छे से जिंदगी गुजारेगी, इनकी जिंदगी अच्छी होगी, उनका फलाना लड़का अगर फलाने घर की बच्ची करके लाएंगे तो माशाल्लाह हमारे घर के लिए बेहतर होगी, बहुत अच्छी है, लड़का पसंद करता है या लड़की पसंद करती है, जायज तरीके से निकाह हो जाए माशाल्लाह, सबके बड़ों की अपने हंसी खुशी से राजी से माशाल्लाह उनका उनका घर बस जाए, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों के लिए या फिर कोई लड़का कोई लड़की चाहते हैं कि नेक जगह अच्छी जगह से माशाल्लाह मतलब यानी अपनी पसंद की शादी निकाह फलाना जगह हो जाए। निकाह के लिए दोस्तों बहुत सारे वजायफ अमल है माशाल्लाह, मैंने नाफरमान को फरमा बरदार बनाने वाला चौथे अमल भी, चार अमल भी मैंने बताया कि किसी को रिश्ते को राजी करने के लिए भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम करता है दोस्तों। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, तो दोस्तों आज का माशाल्लाह आपका बहुत ही आसान सा और कुरान शरीफ की एक आयात का माशाल्लाह अमल है, वजीफा है, मैं आपको कोई नश वगैरह नहीं बताने वाला हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों प्यारे भाइयों, अगर आप फलाने जगह शादी करना चाहते हैं उनके माँ बाप राजी नहीं है या खुद आपके माँ बाप राजी नहीं है, तो आप चाहते हैं कि माशाल्लाह ऐसा कोई अमल, ऐसा कोई वजीफा हो जो माशाल्लाह पुरतासिर हो, बहुत अच्छे से काम करता हो, ये 100% काम करेगा, बहुत अच्छे से रिजल्ट भी आपको आएगा। नमाजों की पाबंदी के साथ एक वक्त बना ले कि आप वजीफे को आपको करना है। कुरान शरीफ की ये आयत है माशाल्लाह, मैं आपको आगे पढ़कर सुनाऊंगा, 315 मरतबा आपको पढ़ना है, छोटी सी आयत है, अव्वल अखद शरीफ 21 बार, और जो आप अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करना है कि फलाने बंदे से या बंदी से मेरा निकाह हो जाए, मेरी शादी हो जाए, ये दुआ आपको करना है सजदे में जाकर। तो ईशा का वक्त चूज कर लीजिए या फजर के बाद, आप कभी भी चाहे तो पढ़ सकते हैं। 315 मरतबा पढ़ने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 मिनट होंगे, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पहले दिन आप आयतें पढ़ने में ज़बान पर नहीं आएगी, दूसरे बाद माशाल्लाह आप इसको आपको याद हो जाएगी अमल करे तक माशाल्लाह। कम से कम 21 दिन की मुदत है दोस्तों, आप 21 दिन आपको करना है, अल्लाह चाहा तो 11 दिन में ही आपका काम हो जाएगा। तो यकीन कुरान शरीफ की आयतों पर, अल्लाह सुब्हान तआला पर रखना चाहिए। 2 रका शुक्रिया नमाज के साथ आप अमल की शुरुआत करें, तरवगरा लगाइए, जुमेरात के दिन से अगर करते हैं तो बहुत मुबारक होगा। तो मन जहाँ भी जिसके पास भी करा, किसी को अगर राजी भी करना है तो उन लोगों के नाम लेना है कि फलाने बंदे या फलाना बंदी फलाना शख्स जो है लड़के के माँ बाप हो या कोई भी हो, शादी के लिए राजी हो जाए, ये कहकर भी आप वजीफा पढ़ सकते हैं। निकाह की नीयत से अगर आप करेंगे तो माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मन पसंद जगह या जहाँ आप पसंद करते हैं वहाँ पर आपकी शादी अल्लाह के फजलो करम से तय हो जाएगी। अल्लाह सुब्हान तआला ऐसे अस्बाब पैदा करेगा कि वो लोग खुद जो है ना माशाल्लाह शादी के लिए राजी हो जाएंगे, वो रास्ते निकल आएंगे, जो भी आपका जो मसला है इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हल हो जाएगा। तो ये था माशाल्लाह दोस्तों मन पसंद शादी का नौवां अमल। दोस्तों पढ़ने वाली आयत जो है ये है आपके स्क्रीन पर, देखिए तो ये है दोस्तों पढ़ने वाली आयत, आपको इस आयत को ही पढ़ना है, बहुत छोटी सी आयत है, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो चलिए माशाल्लाह अगर आप सतवा वगैरह देकर अमल शुरू करें तो बहुत अच्छा होगा। खुशबू का इहतमाम कीजिएगा, जिस जगह आप पढ़ते हैं खुशबू रखिएगा माशाल्लाह, और पढ़ने का वक्त दिन जो है जो पाबंदी से अगर आप करेंगे तो अमल आपका 100% कामयाब होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जरूर वीडियो पसंद आएगा जरूर लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम तल्लाही वबरकातुहू।